नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आप सभी लोगों का YouTube के सर्विस भास्कर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाला बेल आइकन दबा दें ताकि आपको समय पर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का सर्विस भास्कर चैनल पर। आप सभी लोगों को मैं आज जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण काम की बात बताने वाला हूँ कि आपको आयकर विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक सूचना जारी की है कि आपको आधार कार्ड जो है अपनी पैन कार्ड से लिंक कराना होगा और बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही जरूरी हो चुका है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्या है प्रोसेस, पूरी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं वो नोटिफिकेशन जो आयकर विभाग ने जारी किया है। मैं आपको बता देता हूँ, दैनिक भास्कर के माध्यम से, दैनिक भास्कर के अंदर एक खबर छपी है कि 30 सितंबर तक आपको आधार कार्ड जो है वो लिंक कराना बहुत ही जरूरी हो चुका है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है वहाँ आपको लेके चलता हूँ, वहीं आप खबर देखिए और उसके बाद में हम वीडियो को आगे जारी रखेंगे। तो चले चलते हैं हम दैनिक भास्कर की खबर की ओर। दोस्तों यहाँ है दैनिक भास्कर की खबर की, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का ई पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काम की बात में 30 सितंबर तक पैन आधार को लिंक कराना बहुत जरूरी, घर बैठे करेंगे लिंक। मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ घर बैठे आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड में, पूरी आपको प्रोसेस जो है वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 सितंबर तक लिंक नहीं होने पर कार्ड को रद्द माना जाएगा, आप बस एक SMS के जरिए भी इसे लिंक करा सकते हैं, यानी कि आपको SMS के जरिए भी आप लिंक कर सकते हैं। और आप जो है, मैं एक आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे भी आप इसको जो है आप लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से, ताकि आपका पैन कार्ड जो है वो 30 सितंबर के बाद वैलिड रहे और आपका जो है पैन कार्ड जो है वो यूजफुल रहे, ताकि आपका पैन कार्ड अवैध ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दिया है इंडिया टैक्स फिलिंग, मैं आपको ऑनलाइन तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप ऑनलाइन जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पर आप क्लिक करके सीधे आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पर आपको कॉर्नर पे ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों लिंक आधार का, मैं इसका हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस लिंक आधार के ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है ई-फिलिंग का जो है इंडिया टैक्स फिलिंग का आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा लिंक आधार का। यहाँ पर अगर आपने पहले से लिंक आधार कर चुके हैं तो उसका स्टेटस जो है क्लिक हियर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो एक लिंक दे रखा है हाइपर लिंक, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है आपका रिक्वेस्ट आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रोसेस की तरह से आप आधार को पैन से लिंक करेंगे। आपको यहाँ पर पैन कार्ड जो है अपना पैन नंबर डाल देना है, आपको यहाँ पर अपना यहाँ आपको अपना पेन नंबर डाल देना है इस कॉलम के अंदर। सेकंड नंबर को आधार का पूछ रहा है, आपको आधार नंबर के कॉलम में आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको नेम एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही आपको यहाँ पर डालना है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन चौथा आ रहा है कि आई ओनली ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है, कई सारे आधार कार्ड के अंदर जो है पूरी तरह से डेट ऑफ बर्थ नहीं डला है, यानी कि पुराना जो ईयर है वो सिर्फ ईयर ही डला हुआ है, किसी का 1980 2002 या जो भी आपका डला है वो सिर्फ ईयर ही डला है, उसके अंदर कोई भी डेट या मंथ नहीं डला है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा, अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ है तो इसको आपको छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करना है। तो चलिए दोस्तों मैं पूरी प्रोसेस आपको पूरा जो फॉर्म है उसको भर के मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने जो है कि आपके सामने जो है मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक कर देता हूँ। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने जो है नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको सक्सेस यूर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू UIDAI में, यानी कि मेरा जो सक्सेस रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है UIDAI को, UIDAI इसके लिए आगे प्रोसेस करेगा और अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो मेरा जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा दोस्तों, और मेरा पैन कार्ड जो है वो आगे वैलिड रहेगा किसी भी काम में यूज करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में जो है आप घर बैठे इसको लिंक कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा प्रोसेस कि आप SMS से किस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। तो SMS के लिंक करने में आपको बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों दैनिक भास्कर पर फिर से लेके चलूंगा मैं आपको, यहाँ पर आपको SMS की आसान प्रोसेस दे रखी है कि यहाँ पर आसान आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर आयकर विभाग के करदाताओं ने ऑप्शन दिया कि वे SMS के जरिए भी आधार पैन को लिंक करा सकते हैं। आधार पैन को लिंक कराने के लिए आपको सीधा जो है आधार पैन को लिंक कराने के लिए आपको जो है अपने फोन पे UIDPEN यानी कि जो UIDPEN आप यहाँ देख रहे हो बॉक्स के अंदर ये आपको टाइप करना है। उदाहरण के लिए अगर आपका जो UIDPEN यहाँ की आपको तो आगे तो ये लिखना ही लिखना है UIDPEN, उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जो आपका 12 डिजिट का जो है
आधार नंबर वो आपको एंटर करना है, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में जो आपका 10 डिजिट का जो पेन नंबर है वो पेन नंबर लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको जो है 567678 यानी कि इस नंबर पर जो है आपको SMS को सेंड कर देना है। अगर ये नंबर पर नहीं हो रहा है सेंड तो आपको एक और नया नंबर दिया है आयकर विभाग ने, इस पर भी आप सेंड कर सकते हो दोस्तों। तो दोनों नंबर में से किसी में भी अगर आप SMS सेंड कर देते हो तो आपका जो है प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। दोनों को अगर आधार लिंक और आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस जो आपका पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, वहां पर प्रोसेस अप्रूवल होने के बाद में आपका जो आधार है वो पैन कार्ड से पूरी तरह से लिंक हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पैन कार्ड जो है वैलिड हो जाएगा। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 30 सितंबर से पहले ही ये काम कर लीजिए ताकि 30 सितंबर के बाद में जो है ये पैन कार्ड वैलिड नहीं रहेगा और ये रिक्वेस्ट जो है आपसे आयकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके कर दी है। और अगर आपने कर लिया है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी इस वीडियो को देख सके और वीडियो के माध्यम से अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सके और उनका समय बच जाएगा और वो घर बैठे इसको लिंक कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो और नई नई जानकारी आपको समय पर मिल सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।